एमएस ऑफिस की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट में हमने आपको लास्ट क्लासेस में बताया कि किस तरह से स्लाइड क्रिएट करते हैं, आखिर पावर पॉइंट का यूज़ क्या होता है, किस किस किस्म में यूज करते हैं, टैम्पलेट्स क्या है, कैसे टैम्पलेट को एडिट करेंगे वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन और हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो आप खोलते हैं तो आपके सामने इस तरह का विंडो दिखता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपके यहाँ पे टैम्पलेट्स होते हैं, दूसरा आपका ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है। उसके बाद रिसेंटली जो भी आपने फाइल ओपन किए होते हैं उसका लिस्ट होता है। तो मैंने अभी तक कोई फाइल ओपन नहीं किया है क्योंकि मैं जनरली फाइल सेव नहीं करता, क्लोज कर देता हूँ अनसेव करके, तो यहाँ पर लिस्ट नहीं आया। तो आप पुराने फाइलों को यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हैं जो आपने इससे पहले खोली है, या फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन में जा सकते हैं, या होम से भी जा सकते हैं, या फिर आप न्यू से भी जाएंगे तो भी आपको वही आएगा। बस इसमें फर्क इतना आता है कि इसे आपको और सारे टैम्पलेट्स मिल जाते हैं। ओपन पर आते हैं तो आपको पुरानी कोई फाइल ओपन कर सकते हैं जो कि आपके इस लिस्ट में नहीं मिला, तो आप ओपन में जाके ब्राउज करके उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। हालांकि ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, आपको पहले से पता होगा, फिर भी मैंने आपको थोड़ी सी बता। तो हमेशा आपको एक, अगर आपको टैम्पलेट को एडिट नहीं करना है या पुरानी फाइल को ओपन नहीं करनी है, तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे और अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो आपके सामने कुछ इस तरह के दिख जाएगा। पहला आपका टाइटल वाला पेज होगा, तो ये जो दिख रहा है क्लिक द ऐड टाइटल, जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिमूव, ये आपका वो जो हट जाएगा और जो टाइप करेंगे आप यहाँ पर आपको दिखेगा। साथ में मान लीजिए मुझे ये हटाना है, नहीं रखना है, या फिर कोई भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ किया वो भी हटाना है, तो आप इसकी जो लाइनिंग है इस लाइनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड के डिलीट की से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो। अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता ना कि हम यहाँ पे अपना टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं, तो हम ऐसे ही फालतू में तीन चार टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर देते हैं, ऐसे दिखेगा ना, लेकिन जब इस पर कर्सर जाएगा तो आपको दिख जाएगा यार, तो ऐसा आपको दिखता है तो आप सिलेक्ट करके उसको डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये काम का हट जाता है, या फिर आप कंट्रोल जी करें, सॉरी इसमें नहीं होता है, यहाँ सेलेक्ट 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 ऑब्जेक्ट पे जाए और यहाँ से इसको क्लिक करें तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। अगर टेक्स्ट बॉक्स कुछ टाइप नहीं करते हैं तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन हाँ अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया हुआ है तो वो रहता है, उसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद हम फाइल में आते हैं, जब से सबसे पहले प्रेजेंटेशन बनाने से पहले उस फाइल प्रेजेंटेशन को सेव करना होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेव या सेव एज, फर्स्ट टाइम सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक सेव एज पे चला जाता है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन क्रिएट कर लेंगे तो सेव एज करना होता है। फिर ब्राउज पर मोड पर जाएँ और एक लोकेशन चूज करें और अपना यहाँ पर नाम डाल दें, जैसे हमने दे दिया PPT 1। और यहाँ पर क्या है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है, दिख रहा है। इसमें एक और आता है, पावर पॉइंट शो। इस पावर पॉइंट शो के बारे में आगे हम बताएंगे, फिलहाल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हमने इसके फाइल को सेव कर लिया। तो अब नेक्स्ट है, अगर मान लीजिए आपने फाइल सेव कर लिया और भूल जाते हो कि मैंने फाइल कहाँ पे सेव किया दोबारा ओपन करते समय, तो फाइल में आप ओपन में जाके देखेंगे तो यहाँ पर पता चल जाएगा कि हम यहाँ डॉक्यूमेंट में फाइल को सेव किया। जैसे मान लीजिए PPT बनाए, आज बनाया, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप भूल जाते हो कि मेरे फाइल सेव कहाँ पे की, तो डिफरेंट डिफरेंट जाने से अच्छा है कि किसी भी पावर पॉइंट को खोल लीजिए और उसके यहाँ रिसेंट में वो आपको दिख जाएगा कि फाइल कहाँ सेव है। यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पे उसका लोकेशन भी पता चल जाएगा कि आपका फाइल आखिर सेव कहाँ पे है। उसके बाद जब ओपन करने के बाद आपके पास स्लाइड्स होती है, तो स्लाइड को इंसर्ट करने से पहले आप अपने फाइल का डिजाइन बता दें कि आपके जो टैम्पलेट है उसका डिजाइन क्या होगा। तो डिजाइन के लिए आपको डिजाइन आइडिया से भी जा सकते हो। देखिए, डिजाइन आइडिया हो सकता है कि आपके लोअर वर्जन में ना हो, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, वापस आते हैं। हाँ, नहीं होता है तो डिजाइन डिजाइन पे आएंगे और आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपना डिजाइन सेलेक्ट करें, क्या डिजाइन चाहिए आपको, ये आपका डिफॉल्ट होता है।
तो डिज़ाइन में आप देखेंगे सर, डिज़ाइन में साइड साइड कलर क्या होता है, ये कलर होता है कि आपका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, आपके ऑब्जेक्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट बॉक्स का कलर क्या होगा, एक कलर ये दिखाता है, ठीक है। ऐसा नहीं इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा कलर आ जाएगा, देखिए यहाँ पे कलर नहीं आया ना, ये कलर होता है कि आपके डिफॉल्ट कलर क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कलर का अलग अलग वेरिएंट है, वो आप अपना वेरिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं, देख रहे हैं दिख रहा होगा ये कलर वेरिएंट, कि यहाँ से कौन सा हमें कलर वेरिएंट चाहिए, वो कलर वेरिएंट यहाँ से आप देख सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। उसका डिज़ाइन लेने के बाद वापस हम आते हैं होम पे। तो फाइल जब भी आप काम करें तो बीच बीच में फाइल को सेव करते रहें। तो फाइल मेनू बार में कुछ खास नहीं है, इन्फो मतलब आपकी फाइल की इन्फॉर्मेशन बताता है कि आपके फाइल के साइज क्या है, कहाँ पे सेव है, किसने बनाया वगैरह और इसकी हिस्ट्री वगैरह। उसके बाद यहाँ सेव पता, सेवेज पता ही है। प्रिंट, अगर इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट का ऑप्शन है, लेकिन प्रिंट का ऑप्शन बहुत कम ही यूज करते हैं हम। शेयर, इसको अगर आपको मेल पे या फिर किसी वन ड्राइव में या फिर आपके शेयर पॉइंट में सेव करना है। एक्सपोर्ट, इसको आप पीडीएफ में या वीडियो में इसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो एक्सपोर्टिंग के बारे में, इसके बारे में हम आपके आगे क्लासेस बताएंगे। अब जैसे कि इसमें सोच रहे होंगे कि जीएफ एनिमेशन, जी हाँ, स्लाइड्स की जीएफ एनिमेशन बना देगा ये आपका पैकेज प्रेजेंटेशन पर सीडी। पहले क्या होता था कि सर सीडी सबके पास तो पीसी होते थे नहीं थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने जो भी स्लाइड्स है उस स्लाइड्स को एक सीडी में राइट कर लेते थे और राइट को डीवीडी प्लेयर में जस्ट घुसाते थे और ऑटोमेटिकली वो डीवीडी जैसे मूवी हम लोग प्ले करते थे ना, उस तरह से प्ले होना शुरू हो जाता था। किसी को देना है आपको तो यूज कर सकते हैं, हैंडआउट्स की हैंडआउट बना सकते हैं या फिर फाइल की टाइप को चेंज कर सकते हैं, क्लोज, यहाँ से फाइल को क्लोज कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे क्लासेस में बताएंगे। अब हम बात करते हैं होम मेनू बार के ऊपर। होम मेनू बार में सबसे पहला ऑप्शन आता है क्लिपबोर्ड, मतलब कहीं से किसी चीज़ को कॉपी पेस्ट करना। इसलिए हम एक इमेज की बात करें, मुझे मान लीजिए कोई इमेज, माइक्रोसॉफ्ट का कोई इमेज मुझे कॉपी करना है। जैसे मैं यहाँ पर पीपीटी ट्रेनिंग करके हम एक टैम्पलेट लेते हैं, इमेज पे आते हैं और मैं यहाँ पे लोगो सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे लोगो चाहिए, मैं ट्रेनिंग का लोगो देना चाहता हूँ। तो जैसे ये पावर पॉइंट है, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, राइट, इस पर राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे कॉपी इमेज, इसको कॉपी कर लिया और फिर यहाँ पे हम इसको पेस्ट, राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ भी सीवी पेस्ट कर सकते हैं। जब इसको आप पेस्ट करेंगे तो ये आपका पेस्ट हो गया। अब इसमें हम इसके देखिए, पेस्ट करने के बाद इस पर बहुत सारे आइडियाज दिख जाते हैं कि आपको इस तरह से कर लीजिए, अलग अलग आइडिया देते हैं। तो ये आइडिया हालांकि लोअर वर्जन में नहीं है तो फिलहाल इसको स्किप करते हैं। तो पेस्ट करने के बाद अब इसको यहाँ पे जैसे हम सेलेक्ट कर लिया तो ऊपर आपको यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट दिख रहा होगा, राइट सर। पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद इस पिक्चर के ऊपर अपना ये कर सकते हैं, आर्टिस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको आगे क्लास में समझाएंगे, फिलहाल इसको स्किप करते हैं। फिलहाल हम कॉपी पेस्ट पे हैं, तो हम नॉर्मली कॉपी पेस्ट करेंगे तो कॉपी हो जाता है, लेकिन इसमें साइड में आपने देखा कि एक एरो का निशान दिख रहा है। अब इस एरो के निशान पे हम आते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हैं, पेस्ट यूज डेस्टिनेशन थीम, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और यहाँ पे पेस्ट इज ए पिक्चर। अब ये क्या है, तो बेसिकली आप कहीं से पेस्ट, कहीं और से पेस्ट करते हो तो सब पे सेम होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अगर इसको एक्सेल से या किसी और से लेते हैं तो इसमें फर्क पड़ता है। जैसे कि हमने इसको उठाया और इसको एक मैं बोल्ट कर देता हूँ, वैसे फॉर्मेट कर देता हूँ, हमने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद एक्सेल में आते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, ये कहता है पेस्ट यूज डेस्टिनेशन स्टाइल, मतलब जैसा आपका एक्सेल में है सेम उसी तरह से आप पेस्ट करेगा पूरे टेबल की तरह, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगला आता है, यह आता है कि पेस्ट यूज, यहाँ पे आ गया, माने कि कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, जो सोर्स की फॉर्मेटिंग है ये आपका उसी फॉर्मेट में लेके आया।
दोनों के साथ दोनों में कोई खास तो अंतर नहीं है। जी हाँ, खास अंतर दिखेगा जब इसमें ऑब्जेक्ट्स वगैरह रहेगा, समझे। ऑब्जेक्ट मतलब जब भी किसी से आते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर इंसर्ट एक किया, कोई भी एक सैप यहाँ से इंसर्ट करता हूँ, ये जो सैफ है इसका एक देखिए यहाँ पे पेज लेआउट में आपको थीम दिखेगा। तो थीम का मतलब होता है ए थीम, और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है जो यहाँ पे फॉर्मेटिंग की गई है, माइनस का प्रॉब्लम है। उसके बाद यहाँ पे आपका आता है एम्बेड, कि आपको एम्बेड पेस्ट हुआ। तो एम्बेड पेस्ट करने से क्या हो गया कि मैं इसमें डबल क्लिक करूँगा तो वो एप्लीकेशन खुल जाएगी जिस एप्लीकेशन से हमने कॉपी किया, जैसे एक्सेल खुल गया। जैसे मान लीजिए ना कि आप पेंट से ही कुछ लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने इसको राइट क्लिक किया, कॉपी इमेज। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एम्बेड का ऑप्शन नहीं है, नहीं ना, का ऑप्शन ना होने का रीजन क्योंकि ये जो जेपीजी लिया है ये एम्बेड नहीं है। आप एक्सेल से एम्बेड कर सकते हैं, वर्ड को एम्बेड कर सकते हैं, ऐसे पावर पॉइंट टू पावर पॉइंट को एम्बेड कर सकते हैं, सब किसी ने एम्बेड आप नहीं कर सकते। अब वापस आते हैं, यहाँ अगला ऑप्शन यहाँ पे आता है आपका पेस्ट एज ए पिक्चर, पिक्चर फॉर्मेट में आप पेस्ट कीजिएगा। और यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली, मतलब कि कोई फॉर्मेटिंग नहीं करना है, सिर्फ उसका जो करेक्टर है उस करेक्टर को पेस्ट करना है, राइट सर। ये चीजें क्या, ये चीजें इंटरनेट के किसी वेबसाइट पे लागू होता है? जैसे मान लीजिए मैं हिंदी कविता आजकल बहुत सुन रहा हूँ, मैं कहेंगे लॉकडाउन में बैठे बैठे क्या करें, इमेज नहीं, मैं इसकी वेबसाइट पे जाता हूँ, मैं बोलता हूँ कि क्या हम कोई टेक्स्ट, मतलब कि कोई एक जैसे हम इसी को लिया, हमने इसको यहाँ से मान लीजिए हमने ये जो अजहर हाशमी जी है इन्हीं का हमने टेक्स्ट कॉपी किया, ये रहा है, इसको कॉपी किया। अब इसको कॉपी करने के बाद हम डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कीजिएगा तो डायरेक्ट पेस्ट हो जाएगा। मतलब कि टेक्स्ट बॉक्स लेने की जरूरत आपको नहीं है, जैसे कि जरूरी नहीं आपको यहाँ इंसर्ट करके, सॉरी यहाँ पे होम पे जो टेक्स्ट बॉक्स होता है, तो टेक्स्ट बॉक्स डिजाइन करके इसमें भी आप पेस्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट भी पेस्ट करेंगे तो जैसा है सेम वैसा पेस्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि मुझे पेस्ट करना है लेकिन अपने हिसाब से पेस्ट करना है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास आता है यूज डेस्टिनेशन थीम, जैसे जैसा वैसा आ जाए, कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो दोनों में कोई अंतर आपको नहीं दिख रहा है। पर जैसे यहाँ पे कीप टेक्स्ट ओनली करते हो तो यहाँ पे इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आता है, सिर्फ आता है तो इसका सिर्फ टेक्स्ट आता है। तो ये आपके वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब पे वर्क करता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके नीचे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल में अब जैसे हमने इंटरनेट से कॉपी किया है जिसमें पेस्ट एज ए लिंक एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पे एचटीएमएल फॉर्मेट आ रहा है, एचटीएमएल फॉर्मेट पे या फिर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, एचटीएमएल फॉर्मेट करेंगे जैसा वहाँ पे था उस तरह से यहाँ पे पेस्ट होगा, लेकिन पेस्ट स्पेशल अगर करते हैं इसमें आपने अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किया तो सिर्फ उसका टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होगा, बाकी चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं होगी। लेकिन यही चीज अगर आप एक्सेल से कॉपी करते हैं तो थोड़ा सा इसमें चेंज होता है, एक्सेल से हमने लिया या वर्ड से लिया आपने, तो आप पेस्ट स्पेशल करते हैं तो आपको यहाँ पे कई सारे फॉर्मेट हैं, कि आप एचटीएमएल फॉर्मेट में या फॉर्मेटेड टेक्स्ट में करना चाहते हैं लेकिन इसमें बैकग्राउंड वगैरह जो है वो नहीं आएगा, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग आएगी, डेट वगैरह से फॉर्मेट होगा लेकिन इसकी जो बैकग्राउंड कलर वगैरह है वो नहीं आता है, ये आपका फॉर्मेटेड टेक्स्ट आरटीएफ करते हैं। तो अनफॉर्मेट तो पता है, माइक्रोसॉफ्ट सीट करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑब्जेक्ट में दिखता है, इस पर डबल क्लिक करते ही आप एक्सेल फाइल खुल जाएगा और एक्सेल की फीचर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम यहाँ जाते हैं पेस्ट स्पेशल में तो इसके बाद पिक्चर, मतलब कि ये जेपीजी में कन्वर्ट होकर दिखाएगा, इस पर डबल क्लिक करने पे कोई इसकी एडिट नहीं खुलेगी, ये पिक्चर में हो जाएगा, तो ये पिक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने हिसाब से इसको बड़ा छोटा स्ट्राइक कर सकते हो, जस्ट लाइक इंटरनेट से जो कॉपी पेस्ट करते वो हो जाता है।
उसके बाद पेस्ट स्पेशल में आगे जो हमारा पिक्चर विंडो मैप लाइव ये होता है एनहेंस मैप लाइव ये होता है विंडो मैप लाइव ये माइनर सा फर्क देता है इसकी साइज और बिट मैप की और खास फर्क नहीं होता है इसमें। उसके बाद पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे आता है पिक्चर पेस्ट एज ए लिंक। लिंक में जैसे कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोड में करता हूँ एक्सेल फाइल से लिंक होता है। जैसे अभी देखिए 449 है अगर मैं एक्सेल सीट पे गया और 449 को मैंने कर दिया 1000 एंटर मारते हैं आप यहाँ देखेंगे यहाँ 1000 हो गया क्योंकि ये लिंक हो गया उससे। अगर मैं कोई कलर भी चेंज करूँगा यहाँ पे तो कलर भी अपने आप यहाँ पे अपने आप कलर भी चेंज करेगा ठीक है। वापस हम इसको कॉपी करते हैं इसमें एक आता है यहाँ पे पेस्ट स्पेशल ये आता है अटैच हाइपरलिंक और ऐसा करता हूँ ओके करता हूँ तो सिर्फ इसका एक हेडिंग आएगा और जब इस पर क्लिक करते ही वो फाइल खुल जाएगी समझे। जिसे आप हाइपरलिंक क्रिएट कर देता है ओके। दूसरा आता है आपका कमेंट पेंटर जैसे मान लीजिए कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा यहाँ लिखा कि दिस इज ए फाइनल कॉपी ऑफ कोर्स राइट। अब इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि कॉपी पे मैंने कुछ और फॉर्मेटिंग किया हुआ है और सेम फॉर्मेटिंग मुझे आउटलाइन पे भी चाहिए तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा और यहाँ से इसको पेंट कर दूंगा तो सेम कलर हो जाएगा ऐसे। तो आपको एक ही कलर कई सारी जगहों पे लेना हो तो इसका यूज कर सकते हैं राइट सर। हेलो मैं आ गया कट और कॉपी तो पता ही है कट मतलब कि मुझे यहाँ से मूव करना है तो मैं यहाँ कट कर लूंगा और जहाँ मूव करना है वहाँ पे पेस्ट कर दूंगा तो कंट्रोल एक्स होता है ठीक है सर। एक चीज आता है ये आता है क्लिपबोर्ड। अब क्लिपबोर्ड क्या है देखिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई कॉपी पेस्ट वाला काम अगर आप कर रहे हैं कॉपी पेस्ट वाला काम अगर आप कर रहे हैं तो आप क्लिपबोर्ड ऑन कर जैसे मैंने इंटरनेट पे गया और मैंने एक मान लीजिए कि हमने इसी को कॉपी किया ठीक है कॉपी किया कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ एक्सेल शीट में मान लीजिए स्पेस पे इसको पेस्ट कर दिया फिर समझ में आया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए मैंने इसको डिलीट कर दिया फिर मैं वापस इंटरनेट पे गया और कोई और चीज़ हमने पेस्ट कॉपी की जैसे मान लीजिए मुझे इसको कॉपी की और इसको पेस्ट कर दिया और फिर मैंने अपनी इंटरनेट वाली पेज को ऑफ क्लोज कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि अब मुझे लगा कि नहीं नहीं इससे पहले जो मैं कॉपी किया था वही ठीक था अब मुझे वापस फिर जाना पड़ेगा पेज खोलना पड़ेगा जी नहीं। देखिए जब भी आप क्लिपबोर्ड ऑन कर देते हैं जो भी कॉपी करेंगे आपकी क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है तो मुझे चाहिए बस इसे क्लिक करूंगा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो कई सारे कॉपी पेस्ट करते हैं कहीं कहीं और कहीं कहीं अलग अलग जगहों से इसका यूज कर सकते हैं ठीक है सर। इसके लिए ऑन करना पड़ेगा मतलब ऑन करना पड़ेगा जी लेकिन 24 ही एक बार में 24 ही स्टोर कर पाता है मतलब 24 बार ही कॉपी स्टोर कर सकते हैं बाद में क्लियर होने लगता है ठीक है। तो आज हमने क्लिपबोर्ड के बारे में जाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए कल हम स्लाइड्स के बारे में जानेंगे ठीक है सर।